हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए नया वोटर कार्ड का ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और उसके बाद प्ले स्टोर को खोल लेना है और दोस्तों सर्च करना है वोटर हेल्पलाइन। सर्च करने के बाद इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद ये डिस्क्लेमर दिया गया है, आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आई एग्री का बटन है इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। और फिर यहाँ पे भाषा पूछा जाता है, तो जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल होंगे उस भाषा के साथ आपको आगे बढ़ जाना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। गेट स्टार्टेड का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। और फिर दोस्तों यहाँ पे इसका ऑफिशियल पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। आपको सिंपली न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। और फिर दोस्तों यहाँ पे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 6 के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो सिंपली आपको मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। ध्यान रखिए, ये वही मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है जो आपको वोटर कार्ड के साथ में लिंक करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ। दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर दिया। अब सेंड ओटीपी का बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों फाइनली हमारा ओटीपी यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, तो सिंपली आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। देखिए, मान लीजिए कि आपका नाम जो है वो रमेश है, तो पासवर्ड के रूप में आप क्या रख सकते हैं, कैपिटल R रख सकते हैं, उसके बाद स्मॉल a, स्मॉल m, स्मॉल e, एस एच, उसके बाद कोई भी यूनिक कोड जैसे कि @123, ठीक है। इस टाइप से आप पासवर्ड जो है वो बना सकते हैं अपना, ठीक है। तो कोई भी आपका नाम हो कुछ इसी तरह से आप पासवर्ड बना लें। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर दें, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड को इंटर कर लेता हूँ। फाइनली दोस्तों मैंने पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर लिया है। अब लॉगिन नाउ का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सफलतापूर्वक आप लॉगिन हो जाते हैं। फिर से आपको यहाँ पे आ जाना है वोटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर और फिर यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 6 के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे पूछ रहा है माय नेम इज़ वोटर मित्रा, सिंपली आपको लेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। और फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर आईडी फर्स्ट टाइम, क्या आप अपना वोटर कार्ड फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यदि आप पहली बार वोटर कार्ड का अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाले चेकबॉक्स में टिक रहने दें, अन्यथा आपके पास में ऑलरेडी पहले से वोटर कार्ड है सुधार करवाना चाहते हैं तो आप सेकेंड वाले ऑप्शन के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ दोस्तों, इस वजह से मैं पहले वाले चेकबॉक्स में टिक रहने देता हूँ। अब नेक्स्ट का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे अपना स्टेट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, झारखंड। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसी टाइप से आपको भी अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पूछ रहा है, तो मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी भी सेलेक्ट जो है वो यहाँ से कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर गौर कर पा रहे हैं तो लिखा हुआ है अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। सबसे पहला तो काम आपको ये है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से देखिए कह रहा है कि अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अपलोड का बटन है। अपलोड वाले बटन से आप जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट किए हैं इसे यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। बस ध्यान रखना है कि वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब उसमें आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। अब चलिए मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के लिए दोस्तों डायरेक्टली आप कैमरा से भी आप स्कैन कर सकते हैं, अन्यथा गैलरी में आपका है तो आप गैलरी से ले सकते हैं। दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। अब आप चाहो तो प्रीव्यू करके देख भी सकते हो, अन्यथा नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लीज़ इंटर योर पर्सनल पार्टिकुलर, तो यहाँ पे आपको अपना इमेज डाल लेना है, ठीक है। दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ से इमेज भी अपलोड कर दिया है। उसके बाद जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, यहाँ से जो भी जेंडर होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डाल लें, ध्यान रखिएगा जो आपका आधार कार्ड में नाम है उसी प्रकार से डालना है, सही सही, ठीक है। उसके बाद ये रीजनल में ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं RISHU, ठीक है, रिशु कुमार। तो यहाँ पर रीजनल के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो नाम सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन ये गलत आ रहा है, देख सकते हैं रिशु कुमार नाम में मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे री आ रहा है, ठीक है। देखिए बाई चांस यहाँ पे रीजनल के अंदर गलत हो जाता है दोस्तों, तो उसको आप सुधार लें, ठीक है। जैसे कि हमारा देखिए सही ये है, तो इसे मैं सुधार लिया है।
उसके बाद सरनेम अगर कोई होगा तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका आधार नंबर तो है नहीं, आधार नंबर यदि है तो फिर यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल लें, ठीक है। यदि नहीं है तो फिर आप इसे खाली छोड़ दें। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है तो डाल लें। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव यानी किन्हीं पहचान का माता पिता का आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी आपका है तो डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ दें। उसके बाद ईमेल आईडी ऑफ रिलेटिव लिखा हुआ है तो यदि कोई जान पहचान का अगर रिलेटिव का आपका ईमेल आईडी है तो उसे आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी इफ़ एनी टिक एप्रोप्रिएट बॉक्स यानी किसी प्रकार का दिव्यांगता है, ठीक है, तो उसे आप सेलेक्ट कर लें, अन्यथा किसी भी प्रकार का दिव्यांगता नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे आधार नंबर ये सब सारा कुछ डिटेल फिल कर लेता हूं और मोबाइल नंबर डाल लेता हूं, फिर नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। तो दोस्तों फाइनली मैंने सारा डिटेल को फिलअप कर लिया, अब नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद देखिए रिलेशन टाइप पूछा है तो आप किन्हीं भी रिलेशन का नाम यहां पे डाल सकते हैं, जैसे फादर मदर वाइफ या फिर कोई लीगल गार्जियन। अगर ऑर्फन का केस है यानी कि अनाथ कोई बच्चा है तो आप इस वाले ऑप्शन के साथ बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर फादर का नाम डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर फादर का नाम डाल देना है तो यहाँ पर मैं दोस्तों डाल ले रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों रिलेटिव में फादर का नाम डालने के बाद नेम ऑफ रिलेटिव इन रीजनल तो आपके लोकल लैंग्वेज में ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब नाम आ जाएगा। उसके बाद लास्ट नेम ऑफ रिलेटिव लिखा है तो मैं यहाँ पे देखिए पूरा नाम डाल दिया है, तो भाई यहाँ पे प्रसाद को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा और फिर यहाँ पर लास्ट नेम में मैं प्रसाद लिख देता हूँ, ठीक है, प्रसाद लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लोकल लैंग्वेज के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, लास्ट नेम ऑफ रिलेटिव यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हाउस बिल्डिंग नंबर पूछा जा रहा है तो आप ये यदि आपका है तो डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ दें। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों जो आपका स्टार मार्क लगा हुआ है ना वो डालना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस फिल कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं आपके सामने पोस्ट ऑफिस को फिल कर ले रहा हूँ। उसके बाद ये आपका रीजनल में ऑटोमेटिकली ले लेता है और फिर यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है तो मैं पिन कोड यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तहसील तालुका ये सब पूछा जा रहा है तो ये सब यदि आपको पता है तो डाल दें। उसके बाद सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ के रूप में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वाटर कनेक्शन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बिल है, गैस कनेक्शन बिल, आधार कार्ड, करेंट पासबुक, उसके बाद आपका इंडियन पासपोर्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई खतियान हो या फिर आपका जो है वो डीड हो के वाला हो, ठीक है। तो जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, आधार कार्ड ही मैं फिर से यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। देखिए अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, तो अपलोड का यहाँ पे बटन है, अपलोड वाले बटन से आप कैमरा के माध्यम से भी अथवा गैलरी के माध्यम से भी अपलोड कर सकते हैं, तो मैं कैमरा सेलेक्ट करके अपलोड कर लेता हूँ। दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड कर दिया है। उसके बाद आप चाहो तो इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यदि आपका सही है तो फिर आप नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लीज़ इंटर हाउस नंबर, तो मैंने यहाँ पे हाउस नंबर नहीं डाला है तो यहाँ पर ये हाउस नंबर डालना अनिवार्य है, ठीक है। मैं यहाँ पर दोस्तों हाउस नंबर डाल लेता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं मैंने हाउस नंबर डाल दिया है। उसके बाद ये रीजनल वाला है ऑप्शन तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट ले लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखिए ये सब भी आपका भरना अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि ये सब आप नहीं भरोगे तो नेक्स्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो मैं फटाफट सारा डिटेल को एक बार फिल कर लेता हूँ। तो यदि आपको जो है वो स्ट्रीट एरिया लोकलिटी मोहल्ला रोड यदि नहीं समझ में आता है ना तो सिंपली आप यहाँ पे विलेज का नाम डाल दें, ठीक है, विलेज का नाम डाल दें, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। विलेज का आपको नाम डाल देना है यहाँ पे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, स्टेट का नाम डाल देना है और यहाँ पे विलेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है गली मोहल्ला ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली बस आपको यहाँ पे अपना विलेज का नाम ही लिखना है। दोस्तों फाइनली मैंने सारा यहाँ पे डिटेल्स को डाल दिया है। अब देखिए आगे यहाँ पे रिलेशन टाइप पूछ रहा है तो आप किन्हीं रिलेशन का जैसे फादर मदर या फिर किन्हीं का भी फैमिली नंबर का फैमिली मेंबर का यहाँ पे वोटर कार्ड नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फादर का आपको सेलेक्ट कर लिए हैं तो फिर फादर का यहाँ पे नाम लिखना होगा और यहाँ पे उनका EPIC नंबर यानी वोटर कार्ड नंबर डालना होगा, ठीक है। तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अन्यथा दोस्तों आप सिंपली जो है वो नेक्स्ट वाला बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों डिक्लेरेशन आ जाएगा, घोषणा आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है
और फिर दोस्तों यहाँ पे विलेज जो है वो विलेज टाइप कर देना है, और यहाँ पे फिर से अपना एक बार एज जो है वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप जो है वो यहाँ पे प्लेस डाल दें और फिर डन वाला बटन के ऊपर क्लिक कर लें। दोस्तों यहाँ पे सिंपली ना आपको डेट ऑफ बर्थ ही डालना है, क्योंकि देखिए लिख करके आ रहा है आई एम ऑर्डिनली रेसिडेंट एट द मेंशन एड्रेस सिंस, मतलब जो आप एड्रेस पे रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप जिस दिन आपका जन्म हुआ है उसके बाद तो आप उसी एड्रेस पे रह रहे हो ना, तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ ही डाल देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपका जो है वो प्लेस ऑफ अप्लीकेशन है, तो भाई यहाँ पे जिस जगह से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो जगह आप डाल देना। उसके बाद डन का बटन है, डन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका एक प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू आप चेक कर सकते हो, यदि आपका सब कुछ सही है ना, जैसे कि आपका नाम यहाँ पे, ठीक है, ये सारा डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ठीक है, करेंट हाउस, ये सब यदि आपका सब कुछ सही है दोस्तों, तो सिंपली आपको जो है वो नीचे में आ जाना है, और नीचे आने के साथ में कन्फर्म का बटन है, कन्फर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। कंफर्म होते ही आपका यहाँ पे वोटर कार्ड का जो यहाँ पे पंजीकरण है, आवेदन है, वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। देख सकते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। 11/6 आज का डेट आपको देखने को मिल जाएगा, और आपके मोबाइल नंबर में भी एक SMS आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी देखने को मिल जाएगा, आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा दोस्तों आपको ओके कर लेना है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ओके मैं कर लेता हूँ। उसके बाद आप चाहो तो इसका स्टेटस को भी चेक कर सकते हो, स्टेटस चेक करने के लिए आपको एक्सप्लोर के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और फिर दोस्तों यहाँ पे जो है वो जो रेफरेंस आईडी आपको मिला है ना, यहाँ से रेफरेंस आईडी आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद अपना स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका स्टेट होगा वो सेलेक्ट कर लें, और फिर यहाँ पे जो भी रेफरेंस आईडी मिला है वो डाल दें, ट्रैक स्टेटस के बटन के ऊपर क्लिक करके अपना स्टेटस को आप ट्रैक कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा जानकारी से आपको वोटर कार्ड बनाना आ गया होगा, फिर भी कोई समस्या रह जाता है तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं निश्चित तौर पर आपके सभी सवालों का यहाँ पर जवाब दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।